आप रस्से पे नहीं चढ़ पाते थे ना, रस्सा भी नहीं खींच पाते थे। नहीं, रियलिटी ये है कि भाई जब शुरू में आया था कभी रस्से पे नहीं चढ़ पाता था। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं स्ट्रेंथ पे वर्क, जिससे आपकी बॉडी में कटिंग भी अच्छी आएगी, आपकी ताकत भी बढ़ेगी, आपकी पावर है वो बढ़ेगा, ठीक है, और काफ़ी अच्छा आप कर पाओगे वर्कआउट के अंदर। चाहे कैसे भी चैलेंज हो, आप एक्सेप्ट करने के लिए काबिल हो जाओगे। उसके लिए आपको कैसे क्या करना है वो आपको मैं पूरी डिटेल के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और सपोर्ट करना, ठीक है। तो बिना देरी के हम वो वर्कआउट करते हैं स्टार्ट। सिर्फ और सिर्फ हम करवाएंगे भाई को तीन वर्कआउट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत होने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ी सी रनिंग करनी है। उससे क्या है होगा कि आपका शरीर है वो अच्छे से गर्म हो जाएगा, और उसके बाद थोड़े से पुशअप लगाने हैं, उससे क्या है आपकी बॉडी एक अच्छे से वार्म अप हो जाएगी। तो वो चीज़ें इसलिए करनी है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इंजरी ना हो और अच्छी आपकी मेहनत कर सके, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि अचानक से अगर आप कोई भी हार्ड वर्कआउट करोगे तो उससे आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप अपने शरीर को गर्म करके नहीं करते हो। ठंडे शरीर में अगर हम हार्ड वर्क करते हैं उससे क्या होता है, हमारे शरीर पे साइड इफेक्ट होता है, हमें कोई ना कोई ऐसा नुकसान हो जाता है जिससे हम जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो वैसा काम हमें नहीं करना, ठीक है। क्या करना हमें, अच्छे से वर्कआउट करना है, और वर्कआउट हमेशा वार्म अप के बाद में करना है ना। तुम्हारी बॉडी गर्म है, आज तुमने वर्कआउट एंड किया है, अब भाई हार्ड वर्क करेगा, ठीक है। तो भाई क्या करेगा, सबसे पहले रस्से पे चढ़ेगा, तो वीडियो एंड तक देखते रहना, ऐसे ही तीन हार्ड वर्कआउट भाई करके दिखाएगा। तो भाई स्टार्ट हो जा, बहुत बढ़िया, चल शाबाश लड़के, शाबाश शाबाश लड़के, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। देखो काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहा है लड़का, अभी इसे हमने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्कआउट करवा रखा है, फिर भी ये ऊपर चढ़ गया, नीचे आ रहा है। भाई सीधा आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा, कोई नहीं भाई, पुलअप लगाने की कोशिश में था लेकिन इसको मना कर दिया क्योंकि काफ़ी हार्ड हो चुका है। तो आपको ऐसे ही रस्से पे चढ़ना है और नीचे उतरना है, भाई ने पांव टच नहीं किए, वैसे चढ़ा है वैसे उतरा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है इसमें, कैसा लगा भाई? बढ़िया है, एकदम बढ़िया है ना। और जान आ रही है बॉडी में? यस, अच्छे से। क्या बात है। तो अब करने वाले हैं हम, क्या करने वाले हैं, तीन वर्कआउट बताए मैंने, हथौड़ा ठोकेंगे, चलो अभी हथौड़ा मारते हैं, धीरे धीरे आराम से। ऑडियंस सोचेगी यार रेवत कहाँ चला गया, भाग जाएगा उस साइड, आ जा उस कोने में चला जा, ठीक है, चल जो तो स्टार्ट हो जा, थोड़ा सा पीछे हो जा, उस साइड अब चल, एक काम कर, रुक उसको हटा ले, हटा ले इसको, हटा ले, चल बहुत बढ़िया, चल अब मारा थोड़ा, एक दो तीन चार पाँच छः सात सवा आठ, चल लड़के, नौ दस ग्यारह बारह तेरह। तो इस ऐसे आपको क्या करना है कि हथौड़े मारने हैं, भाई 50 हथौड़े मार लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके बीच में इसको बोल रहा हूँ क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें बता दूँ। जैसे मान लो कि हथौड़ा मार रहा है, इससे क्या हो रहा है, इसके बैक पे फोर्स पड़ रहा है, शोल्डर पे फोर्स पड़ रहा है, ट्राइसेप पे फोर्स पड़ रहा है, इसकी कलाइयाँ मजबूत हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क हो रहा है, इसके स्टेमिना बढ़ रहा है। देखो जैसे ये वर्कआउट करता है ऐसे नीचे होता है, इसके लेग पे भी फोर्स पड़ रहा है, यानी कुल मिला के इससे इस वर्कआउट से क्या होता है, हैमर और पैर वाले वर्कआउट से क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी पे फोर्स आता है और अच्छा वर्कआउट होता है। चलो ठीक है भाई, रहने दे, हमारा उद्देश्य यही है इस वीडियो के अंदर कि आपको वो वर्कआउट बताए जिससे आपकी बॉडी अच्छी बने, अच्छी मेहनत हो, आपकी काफ़ी कुछ ज़्यादा अच्छा कर सको। तो अब हमारा रहेगा क्या, अब भाई खींचेगा रस्सा, ठीक है। तो चलते हैं रस्सा खींचने की साइड में और उस जगह, चलो भाई चलो, बहुत बढ़िया, चल लड़के। तो काफ़ी अच्छी मेहनत है, आपको भी ऐसा ही करना है जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप सोच रहे होंगे एक बात, चल भाई खींच रस्सा, आप एक बात सोच रहे होंगे कि यार कि ये हम कैसे लगाएंगे रस्सा, ये पुली, ये कैसे सेट करेंगे। इसको सेट करने का मैं एक आइडिया बता दूँ, आपके घर के अंदर पेड़ तो ज़रूर होगा, पेड़ पर लगाइए ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई ज़रूरी थोड़ी आप भी ऐसे खंभे लगाओ, लगा सकते हो तो अच्छी बात है, वरना इसे पेड़ पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। चल भाई चल, इससे भी बैक पे काफ़ी ऐसा फोर्स पड़ता है, बाइसेप पे और ट्राइसेप पे, शोल्डर पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेहनत होने वाली है। तो कैसे लगे हमारे ये तीन वर्कआउट, एक बार कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं, क्योंकि आप कमेंट के अंदर बताओगे उसी से हमें पता चलेगा कि आपको अगले वीडियो के अंदर हमें क्या बताना है। तो रेवंत भाई, आप यहाँ पे मेहनत करते हो, आपकी पावर बढ़ती है ना। Yes. जैसे आप शुरू में आए थे, आप रस्से पे नहीं चढ़ पाते थे ना, ऐसा भी नहीं खींच पाते थे। नहीं, रियलिटी ये है
कि भाई जब शुरू में आया था कभी रस्से पे नहीं चढ़ पाता था, थोड़ा सा चढ़ता था वापस गिर जाता था, रस्सा ना खींच पाता था, यानी पावर नहीं थी। पावर कैसे बढ़ती? घर पे जाके हम अच्छा कुछ खाते हैं और फिर हार्डवर्क करते हैं, तब जाके पावर बढ़ती है। तो आपको भी यही करना है, अच्छा खाना है और अच्छा वर्कआउट करना है, तभी वर्कआउट जाके, कर, है ना? एक बार यस, बोलो, अच्छा वर्कआउट किया करो। अच्छा वर्कआउट कर, डाइट ध्यान देना पूरा एकदम। हाँ, रेवंत कह रहा है डाइट पे पूरा ध्यान देना है, रियलिटी यही है। क्योंकि डाइट पे अच्छे ध्यान दोगे तभी जाके आपकी अच्छी बॉडी बनेगी। बॉडी उसके बनी, बाद में मेरी तरफ से जो भी होगा, मैं भाई को हार्ड वर्कआउट करूँगा और भाई हार्ड वर्कआउट में कभी चीट नहीं करेगा, जितना बोलता हूँ उतना वर्कआउट करता है भाई, है ना? यस, तो सभी को बोल दो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, सब्सक्राइब भाई को थोड़ी हंसी आ रही, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या है कि आज पहली बार थोड़ा वीडियो के अंदर बोल रहा है इसलिए शर्मा रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं, अगले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अच्छा बोलेगा, ठीक है ना? तो भाई के कहने से आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और भी भाई के काफ़ी अच्छे अच्छे वर्कआउट के वीडियोज़ बहुत जल्द आने वाले हैं, तो सभी सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बॉडी दिखा दे एक बार अच्छे से। चल बहुत बढ़िया, देखिए भाई की कंडीशन, बाइसेप की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हद तक अच्छी है। एक बार अच्छे से कंट्रोल करियो बाइसेप को, बहुत बढ़िया। एक बार पास से दिखाना बाइसेप भाई का, एकदम दोनों बाइसेप पास से दिखाओ एकदम। चलो पास से दिखाओ, काफ़ी अच्छी बॉडी है भाई की, अभी गेनिंग की ज़रूरत है भाई को और वो गेनिंग चल रही है, बहुत ही जल्द अच्छा रिजल्ट आने वाला है।